तो स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है स्काई मोटर व्लॉग्स। तो आज हम जा रहे हैं अपनी क्लासिक का इंश्योरेंस करवाने जो कि एक्सपायर होने वाला है कल। तो थोड़ा सा टाइम था मेरे पास तो सोचा क्यों ना आज ही करवा लें, कल क्या पता टाइम मिले ना मिले। तो फिलहाल मैं जा रहा हूँ कोटला, कोटला में आरी का शोरूम है। तो वहाँ से मैं इसका इंश्योरेंस करवाऊँगा रिन्यू, क्योंकि मैंने लास्ट इंश्योरेंस भी जो था मेरा वो मैंने वहीं से ही करवाया था। तो चलते हैं शोरूम पे। धूप बहुत तेज़ हो रही है आज। धूप ऊपर से जाम। कोरोना धीरे धीरे दिल्ली में बढ़ता जा रहा है और लोग ज़्यादा बाहर निकलते जा रहे हैं। अब और कोरोना बढ़ेगा। तो हमें जाना है नेहरू प्लेस होते हुए। बादल कितने साफ दिख रहे हैं, मतलब आज से पहले ना इतने क्लीन आसमान नहीं देखने को मिलता था। जब से लॉकडाउन वगैरह स्टार्ट हो गया ना, काफ़ी पॉल्यूशन कम हो गया दिल्ली में। कितना क्लीन है, ऐसा क्लीन मौसम ना जब लगता था देखने में कभी कभार जब बारिश हो जाती थी अच्छी खासी, पर अब नॉर्मल उसमें भी इतना साफ है। मज़ा आता है देख के, साफ सुथरा सा लगता है देखने में। मुझे अपनी बाइक में लुब्रिकेंट करवाना था, मैंने करा नहीं है। आवाज़ अलग ही हो गई है चैन की। रॉयल एनफील्ड की बाइक में थोड़ी सी ना ये देखा जाए तो प्रॉब्लम वाली चीज़ है भी और नहीं भी है, चैन लुब्रिकेशन वगैरह इसका ना टाइम टू टाइम होना चाहिए। बाकी नॉर्मल बाइक्स में हम जो चलाते हैं उनमें कहाँ लुब्रिकेंट करते हैं, कभी नहीं करते। पल्सर वगैरह पे उनमें नहीं करते हम। तो मुझे फील हो रहा है कि हाँ बाइक कुछ अजीब चल रही है आज नॉर्मल दिनों से, क्योंकि बाहर जाना होता नहीं है, खड़ी रहती है, गर्मी इतनी हो रही है, लुब्रिकेंट क्या सब कुछ उड़ जाता है। मेरे को यार अपनी इस बाइक की सर्विस भी करवानी थी और सर्विस की जो डेट थी वो कल की थी, पर मैं कल जा नहीं पाया किसी वजह से। तो अब मुझे मंडे जाना पड़ेगा इसकी सर्विस के लिए, क्योंकि मैंने इस बाइक में इंजन में कुछ पार्ट डाला था मेरा एक, तो उस पार्ट की वजह से मुझे बोला था कि ज़्यादा नहीं 700 किलोमीटर चलाने के बाद इसके दोबारा से एक बार सर्विस करवा देना, ऑयल वगैरह चेंज होगा इसका। और मैंने एक किट चला दी है 700 किलोमीटर से एक्स्ट्रा। तो मंडे डेट फिक्स है, मंडे करवाएंगे इसकी सर्विस, फिर इसकी परफॉर्मेंस चेक करेंगे, क्योंकि इसमें जो पार्ट डला है वो डला है एक हाइड्रोलिक्स डला था और एक पता नहीं कोई पार्ट था, पंप जैसा पंप कुछ था ऐसा हाइड्रोलिक्स डलवाया था, कि मेरी गाड़ी में ना बहुत ज़्यादा इस टक 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 का साउंड आने लगा था, वो थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा परेशान करता था।
क्योंकि नॉर्मल होता ही बहुत ज़्यादा करने लगी थी और वो काफ़ी टाइम से हो रहा था, तो मैंने कहा चलो करवा ही लेते हैं इसको इस बार। उसके बाद तो हाइड्रोलिक्स वगैरह चेंज करवाया था मैंने, भाई साहब पूरी रॉकेट बन गई थी। पर वो ये ना, कोई भी बाइक को जब सर्विस होके आती है तो वो अलग ही परफॉर्म करती है, उसके बाद तो धीरे धीरे अपने आप ही डाउन हो जाती है। हम पहुंच गए हैं REK सर्विस सेंटर पे। यार रास्ता है जाने का यहाँ पे नहीं है, कहाँ खड़ी करूँ इसे? यहीं खड़ी कर देते हैं, निकल जाएगी गाड़ी। इंश्योरेंस तो अपना हो गया, पर इंश्योरेंस में एक पंगा हो गया। पंगा नहीं हुआ, मतलब मैंने अपनी बाइक का 0 डैब करवाया था जब करवाया था फर्स्ट टाइम में, और इनका कहना है कि थर्ड इंश्योरेंस जो होता है वो इंश्योरेंस फिर डैब नहीं होता, वो नॉर्मल इंश्योरेंस हो जाता है, तो नहीं हुआ। खैर कोई नहीं, तो आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। जल्दी मिलता हूँ आप लोगों से नई वीडियो में।